आज हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि बाल आपके अच्छे कैसे हो सकते हैं, आप अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं, हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। अच्छा, हेयर फॉल बेसिकली रीजंस जो होते हैं ना वो आपको एक नहीं होता कि हाँ जी आप जी पतझड़ हो रही है तो जी हेयर फॉल हो गया, ये चीज़ खाली नहीं होती है कि खिजां है तो हेयर फॉल हो गया। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस ये भी हो सकते हैं कि आपकी खुराक क्या है, आपकी खवातीन में स्पेशली मर्द हज़ाब हारमोनल चेंजेस कुछ ना कुछ हों तो फिर उसके हवाले से भी जो है आपके बाल जो हैं वो गिर सकते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कुछ तो इन्होंने बताया, कुछ ये भी मेडिकल मेडिकेशन कुछ आपकी ऐसे ही होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स आपने लिए होते हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, और आपकी डाइट, आपको अच्छे ऑयल्स भी यूज़ करने चाहिए। तेल का भी वही काम है, तेल सर्कुलेट करता है और आपको गर्मी पहुंचाता है और आपकी बाल जो है वो मजबूत होना शुरू। लेकिन जैसे कि कुछ ऑयल जैसे हम लोग बनाते हैं उसमें जो है तो कुछ हर्ब्स ऐसी डाली जाती हैं जो कि आपके फॉलिकल्स को, आपके रूट्स को मजबूत करते हैं। मुझे लगता है निगत आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज वेस्ट में और ईस्ट में फर्क तो है और हमारी मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँचती आहिस्ता सब बिल्कुल, जो हम लोग चीज़ अप्लाई कर रहे हैं ना वो वहाँ पर जा भी रहे हैं। आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह आपने कहा ना सर्कुलेशन, इसी तरह ही जब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाती है और आपकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होने लग जाती है तो जिस तरह कहते हैं ना कि ऑयलिंग करना, ऑयलिंग इसलिए भी की जाती है कि तो सर्कुलेशन, और दूसरा है कि वो जो डैंड्रफ है उसको सॉफ्टन करके वो जब आप वॉश करते हैं तो निकाल देते हैं तो बाल बच सकते हैं आपके। बहुत जोर जोर से चंपी भी चंपी से आपने अपने फिंगर टिप से फिंगर टिप से मसाज करना है। लोगों को मालूम नहीं है लोग क्या करते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने बिल्कुल सही, ये नहीं करना आपने, ये नहीं करना आपने, नहीं नेवर, ये जो पोर्स हैं आपके इसके जरिए।